हमारे उद्धव बाला साहब ठाकरे के सांसद जो है वो गैर हाजिर हो गए, संसद छोड़ के चले गए, तो हमको ये लगा कि ये बातें उनके कानों तक पहुंचनी चाहिए। आपके खासदार लोग, नौ खासदार लोग जो वॉकआउट किए हैं, उससे ये चीज पता चल गई कि आप लोग को हमारे लिए स्टैंड लेना नहीं है। उद्धव साहब से मिलने के लिए कुछ मुस्लिम समाज के लोग गए थे, बॉडीगार्ड ने साइड में कर दिया, ये शिंदे साहब नहीं करते। ये राजनीति का बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण चैप्टर है। ये संजय राउत जैसे इतने सीनियर सांसद से इस तरह की भाषा का हम लोगों को बिल्कुल एक्सपेक्टेशन नहीं है। ऐसी भाषा उनको इस्तेमाल करना चाहिए कि उनका जो स्ट्रेचर है उसके समांतर जाए, ये उसके स्ट्रेचर के खिलाफ वाली भाषा है। अब रहा सवाल थाना और मुख्यमंत्री के करीबी है या मुख्यमंत्री के साथ फोटो है, महाराष्ट्र में 1960 में हमारा ये स्टेट बना है, आज इतने दिनों में पहली बार ऐसा मुख्यमंत्री बना है जो सामान्य जनता का मुख्यमंत्री है। आज रस्ते में चलते चलते आदमी उनको हाथ देता है, खड़े हो जाते हैं। इसके पहले भी मुख्यमंत्री थे, शिवसेना के 8-2.5 साल मुख्यमंत्री थे, जब इसके पहले के मुख्यमंत्री ने इस एक्सेस ही नहीं दिया किसी को, उनके अगल बगल फटकने का कोई चांस ही नहीं दिया, तो कोई कहां से फोटो खिंचवाएगा और कोई कहां से उनकी तारीफ करेगा। आज ये मुसलमान, देखो ये एक नैरेटिव है, ये बिल्ड किया जा रहा है, क्योंकि मुख्यमंत्री साहब का जो ये हम लोग उनके वोटर है और हम उनके वोटर है और वी आर प्राउड टू बी वोटर, उनके वोटर होने का हमको गर्व है, क्योंकि हमने जिसको वोट दिया था वो आज मुख्यमंत्री बना है। और मुख्यमंत्री बनने के बाद आज इन 2-2.5 सालों में उन्होंने पूरे महाराष्ट्र की काया पलट कर दिया है। जो आप विकास देख रहे हो, आप मुंबई थाना या महाराष्ट्र के किसी भी हिस्से में चले जाओ, ये विकास महाराष्ट्र के लिए सपना था, इस सपने को साकार करके किसने दिखाया? एकनाथ शिंदे साहब ने दिखाया। तो जब एकनाथ शिंदे साहब इतना बड़ा बड़ा काम करेंगे, मामूली कार्यकर्ताओं के घर चले जाएंगे, हमारे यहाँ छोटे से कार्यकर्ता के यहाँ मैयत हो जाती है, उसके मैयत में चले जाते हैं झोपड़पट्टियों में, तो हमारा भी, हम एक नागरिक के तौर पर, हम कोई पार्टी के कार्यकर्ता उनकी बोल के तारीफ नहीं कर रहे, हम एक नागरिक के हिसाब से उनकी तारीफ कर रहे हैं कि जब एक नागरिक ये देखता है कि हमारा मुख्यमंत्री एक छोटे से कार्यकर्ता के घर में मैयत में आ रहा है, उनके अच्छे बुरे में आ रहा है, उनके बारसा में आ रहा है, उनके बर्थडे में आ रहा है, उनकी शादी में आ रहा है, उनके सुख दुख में आ रहा है, तो हमारा दिल भी भर आता है। और हमको ये नेचुरल है, ये प्रकृति का नियम है कि आप अगर किसी जानवर को भी आप प्यार करोगे तो वो भी आपके सामने दुम हिलाएगा। तो हम तो इस तरीके से उन्होंने आरोप किया कि आप थाने के लोग सुपारी बांधे, जो आंदोलन करने आए थे वो सुपारी बांधते, लेकिन क्या वजह थी आंदोलन करने की, किस वजह से आपने आंदोलन किया? देखो, हमें जब ये मालूम पड़ा कि उनके 9 सांसद, जब ये वक्फ अमेंडमेंट बिल आई है तो उस पर महाराष्ट्र विकास आघाड़ी के और इंडिया आघाड़ी के लोगों ने अपना जो भाषण शुरू किया तो उसके विरोध में भाषण शुरू किया, ये भी इंडिया आघाड़ी के घटक थे। हमको ये उम्मीद थी एज अ मुसलमान, क्योंकि हमको ये पता है कि ये वक्फ की जो बिल लाई गई है भाजपा द्वारा, ये बिल सिर्फ डायल्यूट करने के लिए, लोगों का ध्यान हटाने के लिए लाया गया इलेक्शन में, बाकी इनके पास कोई काम नहीं है, सत्ता में यही है, डबल इंजन सरकार, ये ट्रिपल इंजन सरकार सब जगह यही है, खास करके भाजपा। आज इनके पास अगर कोई चेहरा है तो मुख्यमंत्री का चेहरा है। मैं भाजपा वालों से अनुरोध करूंगा कि मुख्यमंत्री के चेहरे को सामने रखकर अपना आगे का काम करो, वरना आपके 50 सीट के लाले पड़ जाएंगे। तो जब इन्होंने ऐसा ये चिढ़ाने का काम किया और हमने जब सुना कि हमारे उद्धव बाला साहब ठाकरे के सांसद जो है वो गैर हाजिर हो गए, संसद छोड़ के चले गए, तो हमको ये लगा कि ये बातें उनके कानों तक पहुंचनी चाहिए। क्या ऐसा कारण था? उस दिन तो कुछ नहीं था, बिल सिलेक्ट कर ज्वाइंट सिलेक्ट कमेटी में जा रही थी, पहले तो नहीं मालूम था ना आपको? ये तो जब एनडीए आघाड़ी वालों ने इस पर ऑब्जेक्शन उठाया, नीतीश कुमार की पार्टी ने, माननीय रेड्डी वो आंध्रा वाले आंध्रा की पार्टी ने जब वो उनके ऊपर ऑब्जेक्शन लिया, तब इन्होंने ज्वाइंट सिलेक्ट कमेटी में भेजा। उसके पहले इन्होंने विरोध नहीं किया, इनके 9 सांसद जाके कैंटीन में बैठ गए, वहां पर आराम से खाना खा रहे हैं। तो हमको, हम आहत हुए कहीं ना कहीं, देखो एज अ मुसलमान हम आहत हुए। हमको ये लगा कि जब मुसलमानों ने इतना दिल से और इतना भरघोश और इतना टूट कर इनको जो है वोट दिया है, आखिरी हद तक वोट दिया है, तो फिर इनको हमारे हित में बात करनी चाहिए थी। अभी आपकी क्या मांग है? जिस तरीके संजय राउत ने आपका फोटो दिखाकर कहा कि ये गुंडे लोग थे, उद्धव ठाकरे से क्या मांग करना चाहोगे भैया? हम सम्मान्य उद्धव साहब से बोलना चाहेंगे कि आपके जो जो राज्यसभा में और जो विधान इधर लोकसभा में जो जितने भी सांसद है, ये अपनी पोजीशन क्लियर करें, भूमिका अपनी स्पष्ट करें। अगर ये ऐसी इस तरह की भूमिका लेंगे तो हमारे मन में जो है ये आएगा कि हमसे गलती हो गई कहीं ना कहीं, और आगे ऐसी गलती हमें नहीं दोहरानी चाहिए। ये हमारी माननीय उद्धव साहब को हमारा निवेदन है कि आपको मुसलमानों ने प्रेम दिया है,
उस प्रेम को कायम रखना नहीं रखना ये आपके हाथ में है, और अगर इस तरह का कृत हुआ तो आगे आप ग्रांटेड नहीं लेना मुसलमानों का वोट। हमने वोट दिया है और वोट इसलिए दिया था कि हमको लगा था कि जो महाराष्ट्र में आपके साथ जो अन्याय हुआ है, नहीं भाई हमको उसका हक अदा करना पड़ेगा। लेकिन आपके खासदार लोग, 9 खासदार लोग जो वॉकआउट किए हैं, उससे ये चीज पता चल गई कि आप लोग को हमारे लिए स्टैंड लेना नहीं है। और ये पिक्चर उसी दिन क्लियर हो गई जिस दिन आपके 9 के 9 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट वॉकआउट किए। वक्फ बोर्ड अमेंडमेंट का जो बिल आया था, हर पार्टी ने, अपोजिशन पार्टी ने उसका विरोध किया। हमें भी उम्मीद थी कि आपके 9 के 9 सांसद विरोध करेंगे। और बड़ी अफसोसजनक बात यह है कि राउत साहब सुबह सुबह उठ करके न्यूज पे आके डिबेट की बात करते हैं। मुझे ये चीज समझ में नहीं आती, वो वक्फ बोर्ड अमेंडमेंट के बिल के ऊपर क्यों नहीं ज्यादा बात की है? और क्या वो वक्फ बोर्ड अमेंडमेंट के बिल का विरोध करेंगे? उनको वो स्पष्टीकरण देना ज्यादा इंपॉर्टेंट था, ताकि फोटो दिखा के किसी के ऊपर आरोप करना कि भाड़ोत्री लोग है और सुपारीबाज है। वोटिंग के टाइम भी यही दाढ़ी टोपी वाले लोग आपको अपना भाड़ोत्री और सुपारीबाज नहीं दिखे क्या? वोट ले लिए तरीके से लोकसभा में आपने वोट डाला इंडिया अलायंस को, हाँ, आने वाले विधानसभा में किस तरीके से उत्तर मिलेगा रिजवान भाई? अभी ये खासदारगी के लिए जो इन लोग ने स्टैंड नहीं लिया तो ये बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क हो गया है। अभी आप, मैं कल भी न्यूज में देख रहा था, बहुत सारे लोग कमेंट्स में लिख रहे थे कि भाई यार हमने तो दिलो जान से इनको वोट दिया कि ये लोग हमारे स्टैंड ले गए, लेकिन ये लोग खुद वॉकआउट हो गए। तो सोचना तो पड़ेगा, और ऑप्शन भी बहुत है। संजय राउत साहब फोटो दिखा रहे लोगों का, तो पहला मैं बोलना चाहूंगा कि वो सुबह सुबह वो क्या करते, खाली फोटो में आते, लोगों में नहीं आते। लोगों में जो रहता है ना उनसे आप बात करें, फोटो दिखाने का काम। अभी तक फोटो तो मैं भी दिखा सकता हूँ, देखिए ये राजन बिचारे साहब के साथ मैं हूँ, ये देखिए एक उदय साहब भी मेरे साथ में है। और अभी एक चीज और बताना चाहता हूँ, एकनाथ शिंदे साहब की बात आ रही है। देखो अभी देखो इसमें ना उदय साहब से मिलने के लिए कुछ मुस्लिम समाज के लोग गए थे, बॉडीगार्ड ने साइड में कर दिया, ये शिंदे साहब नहीं करते। गरीब अमीर जात पात नहीं देखते, कोई भी आया आओ क्या काम है क्या प्रॉब्लम है, सबकी तकलीफ सुनते, सबसे बात करते। ये इसको क्या मालूम रहे संजय राउत साहब को। और रही बात तो बिल के ऊपर, अपना मुस्लिम के लोग गए थे, मुस्लिम लोग गए थे, ये इसका सवाल करना कहता है लोगों को कि आप 9 लोग भागे क्यों? इंडिया अलायंस के लोग बोले वहां पे, विरोध किए, MIM के लोग किए, राष्ट्रवादी के लोग किए, सब ने विरोध किया, आप क्यों भागे? आज महाराष्ट्र में सबसे मुसलमानों के हित तो तुम ही हो, लोग तुमको ही वोट दिए ना, तो आप क्यों भागे? आप इस पे जवाब देने के बजाय सुपारीबाज कह रहे हो, आप अपने आप को पहले देखो। हम लोग टोटल मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे साहब को वंस मोर लाना चाहते हैं, उदय साहब नहीं चाहिए। ऐसा करेंगे मुसलमानों के साथ, ये करेंगे? अगर पूछने गए कुछ सवाल तो सुपारीबाज गुंडे क्रिमिनल, इसलिए वोट दे रही पब्लिक तुमको। हम लोग वंस मोर वापस मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे साहब को मुख्यमंत्री बनना देखना चाहते हैं। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।